ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण का खेल करने वाले बद्दों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जो बेहद चौंकाने वाला है और एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। पुलिस को शक है कि धर्मांतरण वाले ऑनलाइन गेमिंग का सारा ऑर्डर बद्दों को पाकिस्तान से आता था, जिसके लिए बद्दों के पास एक अलग से ईमेल आईडी थी। इस आईडी से सिर्फ पाकिस्तान से डीलिंग करता था। इसके अलावा बद्दों के कॉल रिकॉर्ड में पाकिस्तान के 30 फोन नंबर मिले हैं जिससे वो लगातार कॉन्टैक्ट में था। पुलिस को इस बात का भी शक है कि बद्दों को फंडिंग भी पाकिस्तान से होती थी। पुलिस पुख्ता सबूत जुटा रही है। बद्दों के मोबाइल और लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। धर्मांतरण का पाकिस्तान कनेक्शन कितनी बड़ी साजिश है, इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। बद्दो धर्मांतरण करवाता था, ऑर्डर रावलपिंडी से आता था। बद्दों की मुसलमान फैक्ट्री चलाती थी पाकिस्तान की मिलिट्री। मुसलमान बनाओ गेम, शहबाज मुनीर, शेम शेम। जब से बद्दों का मोबाइल खुला है, जांच एजेंसियों का दिमाग उड़ा है। उसकी वजह भी जान लीजिए। बद्दों पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन इसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम सब पाकिस्तान के इशारे पर किया, इसीलिए एजेंसियों का माथा ठनक गया। पुलिस को बद्दों के मोबाइल और लैपटॉप से कई चीजें डिलीट की हुई मिली। कुछ डेटा रिकवर होने के बाद बद्दों के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आई है, जिसे खुद बद्दों ने भी कबूल किया है। पुलिस को बद्दों के पास से दो मोबाइल मिले हैं। दोनों मोबाइल से 6 मेल आईडी ऑपरेट होती थी। इनमें से 2 मेल आईडी बद्दों ने गेमिंग के लिए खरीदी थी, जिसमें एक ईमेल आईडी पर पाकिस्तान से मेल आते थे। शक है कि इसी ईमेल आईडी पर पाकिस्तान से धर्मांतरण वाले गेमिंग वाले लिंक्स मंगवाया करता था। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 30 मई को एक नाबालिग बच्चे के बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने के बाद एक तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल ये अभियोग पंजीकृत कर दिया था, जिसमें कि अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी मस्जिद के मौलवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई थी, एवं दूसरे नामजद अभियुक्त बद्दो उर्फ शाहनवाज की गिरफ्तारी हेतु थाने एक टीम रवाना कर दी गई थी। इसमें थाने पुलिस की सहायता से इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही साथ इनको कल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभी तक की पूछताछ में इनके पास से मिले 2 मोबाइल फोन्स में 6 ईमेल आईडीज का चलाया जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें कि इनके पूछे जाने पे इन्होंने बताया है कि 2 ईमेल आईडीज इन्होंने गेमिंग हेतु खरीदी थी। इसमें से एक ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। शाहनवाज और बद्दों के दोनों मोबाइल फोन और सीपीयू को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है, ताकि पूरे डेटा को रिकवर किया जा सके और शाहनवाज का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ सके। आखिरकार पाकिस्तान में कौन वो शख्स हैं जो शाहनवाज को ईमेल भेजा करते थे, ईमेल पर क्या बातें हुआ करती थी, पाकिस्तान में बैठे लोग शाहनवाज से क्या जानकारियां हासिल करना चाहते थे। साथ ही पुलिस का शक इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि फरारी के दौरान जांच में पता चला है कि शाहनवाज पुलिस इंटरोगेशन से बचने के तरीके लगातार ढूंढ रहा था। गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर से शाहनवाज और बद्दों से पूछताछ की तैयारी शुरू कर चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और साथ ही डेटा रिकवरी के बाद शाहनवाज को एक बार दोबारा से पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है, ताकि इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा सके। यही नहीं, गाजियाबाद पुलिस को जांच के दौरान बद्दों की कॉल डिटेल में 30 पाकिस्तानी नंबर से बातचीत के भी सबूत मिले हैं। इसके अलावा पीओके में बैठे एक शख्स से बद्दों की चैट भी पुलिस को बरामद हुई है। इसके पास से लाहौर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एक आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ इनके फोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फोन नंबर सेव्ड होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इनके पास से जो सीपीयू एवं मोबाइल फोन मिले, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रीडियंट्स मिलते हैं तो इन पे एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। गाजियाबाद पुलिस शाहनवाज के लैपटॉप और मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है,
ताकि उसका पाकिस्तान से डायरेक्ट क्या कनेक्शन है ये साफ हो सके और ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का किस तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था इसके पुख्ता सबूत मिल सके। अगर ऐसे सबूत मिलते हैं तो इसे देश के विरोध माना जाएगा और ऐसे में गाजियाबाद पुलिस जांच करने के बाद इस पूरे मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई कर सकती है। पुलिस को इस बात का शक है कि पाकिस्तान से ही बद्दों को हिंदुओं को मुसलमान बनाने की ट्रेनिंग और फंडिंग दी गई, जिसके कुछ सबूत पुलिस को मिले हैं जो इस ओर पुख्ता इशारा कर रहे हैं। पुलिस को जांच में बद्दों के 10 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है, जिसमें अभी तक की जांच में 35 लाख तक के ट्रांजेक्शन की बात सामने आई है। सैकड़ों ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो दिखने में छोटे हैं लेकिन लगातार किए जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा था, कौन भेज रहा था, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ये भी जानने में जुटी है कि इन 3 सालों में बद्दों की बातचीत किन किन संदिग्ध नंबरों पर की गई, पाकिस्तान से उसे कहां से और कौन ऑर्डर दे रहा था, क्या उसे धर्मांतरण का ऑनलाइन खेल खेलने और खिलाने के बदले में कोई बड़ी फंडिंग की जा रही थी। धर्मांतरण के आरोपी शानवाज और बद्दों से गाजियाबाद पुलिस ने तकरीबन 250 सवाल किए, लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब शानवाज ने पुलिस को नहीं दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो लगातार अपने आप को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसने डेटा को डिलीट किया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, इससे वो एक बेहद शातिर अपराधी की तरह लगातार बिहेव कर रहा है। बद्दो पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों से इनकार कर रहा है, धर्मांतरण के आरोपों को भी गलत बता रहा है, लेकिन पुलिस के पास पाकिस्तान से कनेक्शन और धर्मांतरण का खेल खेलने के पक्के सबूत हैं। पाकिस्तान से कनेक्शन तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुख्ता हो जाएगा और न ही वो धर्मांतरण के सबूत को झुठला पाएगा, क्योंकि पुलिस को कॉल डेटा में इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि बद्दो ने गाजियाबाद के जिस लड़के का धर्मांतरण करवाया उससे साल में 350 बार उसने फोन पर बात की। इसके अलावा उसके और गाजियाबाद के लड़के के बीच इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बातचीत के पक्के सबूत मिले हैं। कॉल्स और चैट बताती है कि बद्दो रोजाना छात्र से बात कर उसे इस्लाम की ओर ले जा रहा था। ये भी पता चला है कि बद्दो ने सैमलेश नाम से एक ग्रुप बना रखा था, जिसमें राजनगर, फरीदाबाद, लुधियाना और मुंबई में रहने वाले चारों नाबालिगों को भी जोड़ रखा था। सवाल यह है कि बद्दो को क्या पाकिस्तान से हिंदू नाबालिगों को मुसलमान बनाने के लिए कहा गया, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, बद्दो ने उन लड़कों को कैसे अपने जाल में फंसाया, क्या गेम खिलाकर कोई धर्म भी बदल सकता है। हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है और जब हम ऐसी गेम्स खेलते हैं जहां हमें चैलेंजेस फेस करने होते हैं एंड वी कम्पीट देम या वी कम्प्लीट देम और वी विन देम, तो हमें वो रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा महसूस करवाता है। उसमें हमें एक अराउजल फील होता है थ्रू अ हार्मोन कॉल्ड डोपामाइन, जो हमें वर्थ इट, हैप्पी या रिवॉर्डेड महसूस करवाता है। तो हमारा दिमाग इस गेमिंग को कुछ अच्छी फील के साथ हमें एक अच्छी फीलिंग महसूस करने का या लगने का महसूस दे। जो गेम क्रिएटर्स होते हैं ना, वो बड़े स्मार्ट होते हैं और गेम क्रिएटर्स इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि गेम खेलने वालों की साइकी क्या है और उसके साथ कैसे खेलें। तो ये इसको समझते हैं और गेम्स इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जैसे उसमें चैलेंज रहे, ताकि लोगों में एड्रेनलिन रश रहे, ताकि वो इसको चेज करना चाहे, चैलेंज को कम्पीट करना चाहे। और उसके साथ साथ स्मार्टनेस उनकी ये होती है कि उसमें वो एक रिवॉर्ड भी डाल देते हैं, तो जब जो गेम प्लेयर है रिवॉर्डेड फील करेगा तो उसे अच्छा लगेगा और वो और भी ज़्यादा एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप खेलता जाएगा और कहीं ना कहीं एक एडिक्शन की ओर अपने आप को ले आएगा, बिकॉज ही इज रियली एंजॉयिंग जो उसकी ज़िंदगी में चैलेंज आ रहा है। और वो एक विक्ट्री, बेशक वो वर्चुअल विक्ट्री हो, उससे अपने आप का एक रियल सेल्फ से हटकर एक आइडियल सेल्फ में अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ा दे। बद्दो की पुलिस के सामने हवाइयां उड़ी हुई हैं, हर आरोप से वो इनकार कर रहा है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि आरोपी शाहनवाज मकसूद खान और बद्दो गेम डेवलपर भी था। वो चलते गेम के बीच स्टैग डालता था, मतलब कि वो रनिंग गेम में दखल देकर जीतते हुए लड़कों को हरा देता था, जबकि खुद को गेम रैंकिंग में हमेशा ऊपर रखता था। ऐसा करके वो एक चुनौती बनाता था जिससे गेम खेलने वाले लड़के जीतने के लिए टिप्स लेते थे और तभी वो उन्हें धर्म परिवर्तन के ट्रैप में फंसा लेता था। जो टास्क बेस्ड गेम्स होती है, लेवल बेस्ड गेम्स होती हैं, वही यूजर प्रेफर करता है। जैसे कि हमारी आपने बताया पोकेमॉन गो है,
ठीक है, BGMI में भी हमारे लेवल्स रहते हैं, ठीक है, जो कि बैन हो गई है BGMI इन द सेंस पबजी, उसमें भी हमारे लेवल्स होते हैं, फोर्टनाइट में भी लेवल्स होते हैं, उसमें किल टू डेथ रेशियो होता है। तो जितना जितना टास्क बेस्ड जितना चैलेंजिंग रहता है उतना ही यूज़र उसको प्रेफर करता है कि मैं उसको खेलूँ और मैं बाकियों को दिखा सकूँ कि भाई मैं इस लेवल पे हूँ। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, कैंडी क्रश चला था तो कोई बोलता मैं इस लेवल पे हूँ, मैं उस लेवल पे हूँ। अगर उसमें लेवल्स ही नहीं होंगे, सिंगल वन लेवल होगा, तो कोई भी उसको खेलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बाकियों को दिखा नहीं पाएगा कि मैं किस लेवल पे हूँ। सभी लेवल वन पे हैं तो सबके लिए वो गेम बराबर ही होगा। बद्दो की हर हरकत उसके धर्मांतरण की साजिश की ओर इशारा करती है। पुलिस को यह भी पता चला है कि हिंदू लड़कों को जाकिर नायक के वीडियो भी देता था, जो नाबालिग बच्चों के मन में अपने धर्म के प्रति हीन भावना लाते थे और इस्लाम को श्रेष्ठ बताते थे। पुलिस जो कह रही है, अगर सबूत उसके पास है तो बद्दो का बचपाना मुश्किल है, क्योंकि धर्मांतरण से भी बड़ा उसका पाकिस्तान में बैठे संदिग्धों से कनेक्शन का शक है। अगर ये साबित हो गया तो उसका जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।